कम बारिश और सूखे के बाद अब गुजरात सरकार ने किसानों को समर क्रॉप की सिंचाई के लिए पानी ना देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गुजरात सरकार ने पानी की कमी को देखते हुए किसानों को समर क्रॉप में लगने वाली फसल की सिंचाई के लिए पानी ना देने का फैसला किया है। समर क्रॉप की बुवाई से ठीक पहले सरकार के इस फैसले से किसान काफी परेशान हैं। समर क्रॉप में मुख्य रूप से पैडी यानी धान, दलहन, मूंगफली और सब्जियों की बुवाई की जाती है, जिसमें सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। किसानों का कहना है कि पानी की कमी के चलते वे अब धान और अन्य अनाजों की बुवाई नहीं कर सकेंगे। समर क्रॉप की बुवाई खास तौर पर दक्षिण गुजरात में की जाती है। अंकलेश्वर से वलसाड़ तक 80,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा के क्षेत्र में लगाए जाने वाले समर क्रॉप में होने वाली धान की फसल खरीफ में होने वाले धान के मुकाबले 20 से 30 क्विंटल ज्यादा होती है। ऐसे में अगर सरकार की तरफ से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है तो किसानों को 200 से 250 करोड़ का नुकसान होगा। मुख्य उत्पाद डांगर और गन्ना है और ये लोग डांगर के लिए पानी देने के लिए मना करे तो कम से कम साउथ गुजरात को 200 से 250 करोड़ का नुकसान है। पूरी तरह पायमाल हो जाएगा। अगर डांगर नहीं बनाएगा तो बनाएगा क्या बिना पानी के? खेत ऐसे ही पड़ा रहेगा। वो हमें लग रहा है कि साउथ गुजरात में अभी तक जो सुसाइड के किस्से नहीं बनते थे, अगर समर क्रॉप में पैडी के लिए पानी नहीं मिला तो हमें लग रहा है कि साउथ गुजरात के किसान भी सुसाइड करने लगेंगे। दरअसल दक्षिणी गुजरात के सबसे बड़े डैम उकाई डैम में पानी का लेवल पिछले साल के मुकाबले 4 फीट कम हो गया है और आने वाले समय में पानी का लेवल और घटने के आसार हैं। इसी के मद्देनजर सरकार ने समर क्रॉप की सिंचाई के लिए पानी ना देने का फैसला किया है। इस साल हुई कम बारिश के कारण रबी की फसल का बुवाई क्षेत्र पिछले साल के मुकाबले कम हो गया है। 20 नवंबर तक गुजरात में रबी की फसल की केवल 7,885 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई है, जबकि पिछले साल इस समय तक 13,697 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में रबी की फसल की बुवाई की गई थी। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल रबी की फसल का बुवाई क्षेत्र 42% तक कम हो चुका है। इसमें मुख्य रूप से गेहूँ, ऑयल सीड्स, सीरियल्स और पल्सेस शामिल हैं। इस साल मॉनसून में गुजरात में केवल 75% बारिश दर्ज की गई। अब तक गुजरात सरकार 51 तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित कर चुकी है। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।